सुखपुर नामक गांव में रतनू नाम का एक नाई रहता था। वो गांव का बहुत पुराना नाई था और सभी लोग बाल कटवाने के लिए उसके पास ही आते थे। रतनू का एक बेटा जग्गू था, जिसे अपने साथ काम पर लगाने के लिए दिन रात उससे मिन्नतें करता था। अरे बेटा, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तुम्हें अब मेरा काम संभाल लेना चाहिए। तुम्हें कितने बार समझाया है, एक नाई का बेटा नाई ही बनता है, राजा नहीं बन सकता। परंतु तुम्हारे भेजे में तो कोई बात ही नहीं जाती है। तुम मेरे साथ काम सीखना शुरू करोगे तभी तो दुकान संभाल पाओगे। नहीं नहीं, मुझे ये नाई का काम नहीं करना, मुझे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं। अच्छा, एक नाई के बेटे होकर तुम ये सब बातें कर रहे हो, तुम्हें ये काम नहीं पसंद। तुम नाई नहीं बनोगे तो क्या राजा बनोगे? बाप बेटे में आए दिन यही खटपट चलती रहती, परंतु जग्गू किसी भी तरह से अपने बाप का काम संभालने के लिए तैयार नहीं था। वो हमेशा मन ही मन सोचता कि किस तरह वो इस काम से पीछा छुड़ाए। रोज की बहस से तंग आकर आखिर एक दिन जग्गू घर छोड़कर चला जाता है। जग्गू अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव की तरफ चल देता है और मन ही मन सोचता है, मैं इस गांव को ही छोड़कर चला जाता हूँ, किसी दूसरे गांव में जाकर नई जिंदगी शुरू करूंगा, जहाँ मुझे कोई ना जानता हो। वहाँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं एक नाई का बेटा हूँ। इस तरह चलते चलते जग्गू अपने गांव से काफी दूर एक अजनबी गांव में पहुंचता है। सामने उसे एक मंदिर दिखता है। जग्गू मंदिर के अंदर चला जाता है। मंदिर के पंडित जी उससे पूछते हैं, अरे बेटा, तुम क्या यहाँ नए आए हो? आज से पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। जय पंडित जी, प्रणाम। मैं काफी दूर के एक गांव से यहाँ आया हूँ। मैं इस गांव में किसी को नहीं जानता, क्या मैं आपके मंदिर में विश्राम कर सकता हूँ? बेटा, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, अपने बारे में कुछ बताओ। पंडित जी का सवाल सुनकर जग्गू सोच में पड़ जाता है कि अब क्या बोले, सच तो नहीं बता सकता था। जी पंडित जी, मेरे पिताजी रतनू नाथ शर्मा अपने गांव के जाने माने पंडित हैं और मेरा नाम जग्गू शर्मा है। अच्छा अच्छा, तो तुम पंडित परिवार से हो, परंतु घर छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? मैं अपने घर से दूर रहकर कुछ सीखकर अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता हूँ, परंतु अभी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं। देखो बेटा, पीछे ही मेरी कुटिया है, मैं वहां अकेला ही रहता हूँ और इस मंदिर की देखभाल भी मैं ही करता हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। तुम इस मंदिर का सारा काम संभाल लेना, जैसे कि इसकी साफ सफाई, पूजा वगैरह की तैयारी। मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। पंडित जी की बातें सुनकर जग्गू बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, लगता है तीर निशाने पर ठीक लग गया है। इस पंडित को कोई शक नहीं हुआ और ये मुझे भी पंडित ही समझ रहा है। बस फिर क्या था, अगले ही दिन जग्गू ने अपना भेष बदलकर पंडितों जैसा कर लिया। सिर पर चोटी, धोती कुर्ता और माथे पर तिलक और गले में माला। पंडित जी के साथ मंदिर में काम करने की वजह से सभी लोग उसे पंडित ही मानने लगे और वो भी पंडित जी के साथ रहते रहते पूजा की सारी विधियां, मंत्र उच्चारण, आरतियां सब सीख गया। अब पूरा गांव उसे पंडित जग्गू शर्मा के नाम से जानने लगा और उसका जीवन मजे में कटने लगा। उसी गांव के एक सेठ पंडित दीनदयाल शर्मा गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे, परंतु उनकी शादी नहीं हुई थी, जिस कारण उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। अरे पंडित जी, परसों हमारे घर में हवन और पूजा है, आपको याद है ना, पूरी तैयारी कर लीजिएगा और समय पर पधार जाइएगा। है जी जी सेठ जी, मुझे अच्छी तरह याद है, आप हर साल ये हवन और पूजा करवाते हैं और गरीबों में दान बांटते हैं। आप चिंता ना करें, मैं सब तैयारी के साथ पहुंच जाऊंगा। पंडित जी जग्गू से कहते हैं, जग्गू
परसों सुबह सेठ जी के यहाँ हवन है, वो हर साल ये हवन और पूजा करवाते हैं। तुम्हें सामान की लिस्ट दे दूंगा, सारा सामान कल ही खरीद कर मंदिर में रख देना। परसों सुबह जल्दी ही हमें उनकी हवेली पर जाना है। नियमित समय पर पंडित जी और जग्गू सेठ जी की हवेली पर पहुंच जाते हैं। इतनी विशाल हवेली देखकर जग्गू हैरान रह जाता है और सोचने लगता है, इतनी बड़ी हवेली, वाह, ये तो बहुत पैसे वाले सेठ जी लग रहे हैं, लगता है खूब माल मिलेगा। पंडित जी और जग्गू सेठ के यहाँ बहुत अच्छे से पूजा और हवन संपन्न करते हैं। जग्गू को इतनी निष्ठा से पूजा और सभी कार्य करते देख सेठ जी पंडित जी से पूछते हैं, ये लड़का कौन है, पहले तो इसे कभी नहीं देखा। हाँ सेठ जी, कुछ ही दिन पहले ये मेरे पास आया है, पंडित घराने से ही है। इसके पिता भी अपने गांव के पंडित हैं, बहुत ईमानदार और मेहनती लड़का है। जग्गू को जब पता चलता है कि सेठ जी का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, उसके दिमाग में एक तरकीब आती है, किसी भी तरह ये सेठ जी को बातों में फंसाकर इनके घर में अपनी जगह बनानी होगी। क्योंकि जग्गू काफी चालाक किस्म का लड़का था, वो सेठ जी के यहाँ आना जाना शुरू कर देता है। किसी भी बहाने से वो अक्सर सेठ जी के यहाँ आता और उनसे ऐसी मीठी मीठी बातें बनाता कि कुछ ही दिनों में सेठ जी उसे बहुत पसंद करने लगे। एक दिन पंडित दीन दयाल मंदिर में दर्शनों के लिए आते हैं, तो वापस जाते समय सीढ़ियों के पास उनकी सोने की चेन गिर जाती है। उस पर जग्गू की नजर पड़ती है तो उसके मन में लालच आ जाता है, परंतु दूसरे ही पल में सोचता है, यदि ये सोने की चेन मैंने सेठ जी को लौटा दी तो उनके मन में मेरे प्रति विश्वास और जाग जाएगा, ये अच्छा मौका है दिल में अपनी जगह बनाने का। बस यही सोचकर वो तुरंत चेन उठाकर सेठ जी को सौंप देता है। अरे रुकिए सेठ जी, ये देखिए आपकी सोने की चेन यहाँ गिर गई है। अरे सच में ये तो मेरी ही है, मुझे पता ही नहीं चला ये कब गिर गई। भाई तुम बहुत ईमानदार लड़के हो, वरना कोई और होता तो इतनी महंगी चेन कभी वापस नहीं करता। कुछ दिनों के बाद जग्गू मन ही मन एक प्लान बनाता है और एक व्यक्ति को 500 रुपए देकर कहता है, देखो तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना है, पंडित दीनदयाल रोजाना सुबह मंदिर आते हैं, उस समय उनके साथ कोई नहीं होता, तो जब वो मंदिर से निकलें थोड़ी दूर जाने पर उन्हें रास्ते में रोककर उनसे उनका बटुआ छीन लेना, तभी मैं वहां आ जाऊंगा और तुमसे लड़ने लग जाऊंगा, तुम मुझे नकली मुक्के और लात मारना, बदले में मैं भी तुम्हें मारूंगा और तुम वहां से भाग जाना। अगले दिन पंडित दीनदयाल जब मंदिर से निकलते हैं, तय समय के अनुसार वो गुंडा वहां आता है और वही करता है जो जग्गू ने कहा। जग्गू तुरंत वहां पहुंचकर उस व्यक्ति से लड़ने लगता है और सेठ जी पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए उस व्यक्ति से झूठ मूठ मार भी खाता है और सेठ जी का पर्स वापस लेकर उस आदमी को वहां से भगा देता है। बस इस घटना के बाद तो सेठ जी के मन में जग्गू के प्रति बहुत प्यार और विश्वास जाग जाता है और वे उसे पसंद करने लगते हैं। अगर आज ये लड़का ना होता तो न जाने क्या होता, भला हो इसका। पंडित दीनदयाल शर्मा एक दिन मंदिर के पंडित जी को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, अब देखिए पंडित जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे ये लड़का जग्गू बहुत ही पसंद है, ये काफी ईमानदार और अच्छा लड़का है और फिर पंडित परिवार से भी है, मैं तो अब बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरा कोई वारिस नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस जग्गू शर्मा को गोद ले लूं और इसे अपना बेटा बना लूं। ये बात सुनकर पंडित जी हैरान हो जाते हैं परंतु खुश भी होते हैं। अरे सेठ जी, लड़का तो सच में हीरा है हीरा, यदि आप इसे अपनी शरण में ले लें तो इसका जीवन सुधर जाएगा। पंडित जी वापस मंदिर में जाकर ये खुशखबरी जग्गू को सुनाते हैं। अरे जग्गू, तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे ऐसा क्या हो गया पंडित जी,
आप इतने खुश क्यों नजर आ रहे हैं? अरे तुम सुनोगे तो तुम भी खुश हो जाओगे। पंडित दीनदयाल शर्मा ने आज मुझे अपने घर बुलाया था और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जग्गू को अपना वारिस बनाना चाहता हूँ, यानी वो तुम्हें गोद लेना चाहते हैं। इतने अमीर आदमी के पुत्र बनकर तो तुम राज करोगे, तो बताओ है ना ये खुशी की बात? ये बात सुनते ही जग्गू के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। उसकी मनोकामना पूरी हो गई थी, परंतु वो नाटक करते हुए बोलता है, पर आपको छोड़कर मैं कैसे जाऊंगा? आप अकेले नहीं हो जाएंगे? अरे मेरी चिंता मत करो, अपने भविष्य के बारे में सोचो। फिर तुम कौन सा दूर जा रहे हो? इसी गांव में तो हो, हम लोग रोजाना ही मिलते रहेंगे। बस अब तुम सेठ जी की हवेली में जाने की तैयारी करो। जग्गू की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो मन ही मन सोच रहा था कि तीर इतना जल्दी सीधा निशाने पर लग जाएगा, ऐसा तो उसने सोचा ही नहीं था। वो सोचता है, मेरे पिताजी तो मुझे बहुत ताने मारते थे कि नाई नहीं बनोगे तो क्या राजा बनोगे। अब कोई उन्हें जाकर बताए कि मैं तो सचमुच राजा बनने वाला हूँ, आखिर मेरा सपना जो पूरा होने जा रहा है। बस कुछ ही दिनों में पंडित दीनदयाल शर्मा जग्गू शर्मा को अपने घर पर अपना पुत्र बनाकर रख लेते हैं और धीरे धीरे उसे अपने कारोबार के बारे में समझाने लगते हैं। जग्गू तो खुशी के मारे फूला नहीं समाता। उसने इतना पैसा और ऐसा ऐशो आराम तो कभी सपने में भी नहीं देखा था। वो खूब ठाट से रहने और खाने पीने लगता है और नौकरों पर हुक्म चलाने लगता है। वो सेठ जी के काम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और सारा दिन नौकरों पर हुक्म चलाता, खाता पीता और आराम करता। जग्गू की जिंदगी बहुत ऐशो आराम से गुजरने लगी। वो सचमुच में भूल जाता है कि वो असल में है कौन। सेठ जी जग्गू से कहती हैं, जग्गू बेटा, आज दूर गांव से 3-4 व्यापारी आ रहे हैं। वो हमसे कुछ जमीन खरीदना चाहते हैं। जब वो लोग आए तो तुम भी मेरे साथ बैठना, ताकि तुम काम की सभी बारीकियों को समझ सको। आगे तो तुम्हें ये सब संभालना ही है। जी, जैसी आपकी आज्ञा। वो लोग हवेली में आते हैं। सेठ जी जग्गू को भी बुला लेते हैं। अब मैं आप लोगों का परिचय अपने पुत्र से करवाना चाहता हूँ। ये है मेरा पुत्र जग्गू। सेठ जी जग्गू को उन लोगों से मिलवाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति जैसे ही जग्गू को देखता है वो चौंक उठता है। वो व्यक्ति जग्गू को काफी देर तक घूरता रहता है और सेठ जी से पूछता है, ये आपका पुत्र कैसे हो सकता है? हमने तो सुना था आपकी कोई संतान नहीं। आपने ठीक सुना था, मैंने इसे गोद लिया है। इस पर व्यक्ति बोलता है, आप तो घराने के पंडित हैं, आपने एक नाई के लड़के को गोद कैसे ले लिया? सेठ जी सुनते ही गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। नाई का लड़का? ये क्या बकवास कर रहे हो? ये तो पंडित घराने से है, चाहो तो गांव के पंडित से पूछवा सकता हूँ। इस पर व्यक्ति बोलता है, मैं इसे पहचान गया हूँ, ये मेरे ही गांव के नाई रतनू का इकलौता बेटा जग्गू है, जो कि अपने बूढ़े बाप को इस उम्र में अकेला छोड़कर यहाँ मजे कर रहा है। ऐसी बातें सुनकर जग्गू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो डर जाता है कि अब तो उसकी पोल खुल गई है। जग्गू ये नहीं जानता था कि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती, वो एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। जग्गू घबरा कर सेठ जी से माफी मांगने लगता है। अब सेठ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला था, ये व्यक्ति बिल्कुल सच बोल रहा है। मैं एक नाई का ही बेटा हूँ। मंदिर में पंडित जी के पास रहने के लिए मैंने ये झूठ बोला था कि मैं पंडित घराने से हूँ। ऐसी बातें सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आता है। अपने नौकरों से कहकर सेठ जी जग्गू को धक्के मरवा कर घर से बाहर निकाल देते हैं। उसका इतना बड़ा झूठ पकड़े जाने पर गांव के सभी लोग उसे उस गांव से धक्के मार मार कर बाहर निकाल देते हैं। आखिर सब जगह से धक्के और गालियां खाने के बाद जग्गू अपने पिता के पास वापस गांव में जाता है। जग्गू को देखकर उसके पिता उसे गले लगा लेते हैं।
जग्गू उनसे माफी मांगता है। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी हैसियत को भूलकर बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख लिए, और सबसे बड़ी बात यह कि मैंने उन्हें पूरा करने के लिए गलत रास्ता अपनाया, लोगों से अपने बारे में झूठ बोला और आपको इस उम्र में अकेला छोड़कर चला गया। पिताजी, इन्हीं सब बातों की मुझे सजा मिली है, आइंदा से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। मैं समझ गया हूं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें अपनी सच्चाई को अपनाकर पूरी ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, ना कि झूठ व मक्कारी से जिंदगी जीने के बारे में सोचना चाहिए। जग्गू की बातें सुनकर उसके पिता कहते हैं, यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और तुम लौट कर मेरे पास आ गए, बस मैं तो इसी में बहुत खुश हूँ। तुम्हें जिंदगी ने बहुत अच्छी सीख दे दी है, अब आइंदा तुम कभी भी अपने जीवन में रास्ता नहीं भटकोगे।